चुनावी माहौल में कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम मंदिर में दर्शन करने और शुद्धिकरण करने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बिगड़े बोल पर भाजपा हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज के लोगों का अपमान करते हैं। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन किए जाने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि राम मंदिर को अपवित्र कर दिया है, राम मंदिर को हम गंगा जल से धोएंगे। यह इनकी गंदी मानसिकता है, यह आदिवासियों का अपमान करते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज और आदिवासी लोगों का अपमान करते हैं। भगवान राम के मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दर्शन करके, अभी कुछ दिन ही हुए दर्शन करके जाने के बाद, और अब इनने कहा कि नाना पटोले चीफ महाराष्ट्र के, हम राम मंदिर को अपवित्र कर दिया है या राम मंदिर को धोएंगे, गंगा जल से धोएंगे, तो ये इनकी गंदी मानसिकता है। ये आदिवासियों का अपमान करते हैं। भगवान राम तो 11 साल उनके बीच में रहे हैं और सबरी माता के बेर खा करके जो उनने संदेश दिया कि वो सभी वर्गों में समान रूप से बंधुभाव रखना चाहते हैं, ऐसे में कांग्रेसियों की मानसिकता ये लगातार हार के डर से, पराजय के भय से इतना गंदा सोचते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं इसकी निंदा करता हूं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।